मचे घमासान के बीच कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने कहा कि जिन्ना की तस्वीर किसी भी संस्थान में स्वीकार नहीं की जा सकती। हमारे संवाददाता रवि सर्राफ ने सतीश महाना से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुना दें। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री सतीश महाना जी हैं। सर, जिस तरीके से एक नया विवाद शुरू हो चुका है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेकर, आप पूरे इस विवाद को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि चूंकि पथराव भी हो चुका है, तोड़फोड़ भी हो चुका है, अब आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं? देखिए, इस देश की राजनीतिक दिशा को बदलने का काम हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2014 से पहले यदि हम ध्यान करते हैं तो इस देश की राजनीति जाति के आधार पर चलती थी, संप्रदाय के आधार के ऊपर चलती थी, अलगाववाद के आधार के ऊपर चलती थी, पूंजीवाद के आधार के ऊपर चलती थी। कई ऐसे फैक्टर्स थे जो देश के हित में नहीं थे। इस देश को विकास के पथ के ऊपर आगे ले जाने का जो संकल्प 2014 में प्रधानमंत्री जी ने किया और जिस प्रकार से देश की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, देश की जनता चाहती है कि अब ये इश्यूज नहीं होने चाहिए, अब विकास की बात होनी चाहिए। उस समय विकास की राजनीति चल रही है, उस समय इस से ध्यान भटकाने के लिए कुछ अराजक तत्व, मैं ये बात शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इस प्रकार की जो घटना करते हैं जो इस देश में स्वीकार नहीं होनी चाहिए। जिन्ना इस देश में कभी भी इस देश के लिए उनके किसी भी स्थान के ऊपर उनकी तस्वीर स्वीकार नहीं हो सकती, तो इसी बात गलत है और उसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आशीष के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।